हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच बी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। 2007 was a different feeling. We started off in the afternoon and this is in the evening. So it's a very proud moment for me. This is going to be mad. सबसे बड़ी रिपोर्ट जो आ रही है, एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पे 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इंडिया की ये जो विक्ट्री परेड थी ना, इसको जो है वो देखा है भाई लाइव सोशल मीडिया पे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टाइम में 50 करोड़ लोग बैठ के सोशल मीडिया पे ये जो मोमेंट्स है इंडिया के, ये सेलिब्रेशन के, वो देख रहे हैं। सारे मुल्कों की लोगों की क्रिकेट मोहब्बत एक तरफ, इंडिया की आवाम की मोहब्बत क्रिकेट के साथ एक तरफ। जितने लोग अंदर थे उससे 10 गुना लोग बाहर थे। इस विक्ट्री परेड ने ये बता दिया है कि क्रिकेट क्या इंपॉर्टेंस रखती है, ये जीत कितनी इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए, इंडियन फैंस के लिए। बीइंग अ पाकिस्तानी फैन, वो मनाजिर जो है, हमें एक ऐसी जीत की तलाश है, एक लंबे अरसे से तलाश है, अभी तक हम उस पार तक नहीं पहुंच पा रहे। और बीइंग अ क्रिकेट फैन, ये मनाजिर बहुत खूबसूरत थे। क्योंकि आप सोचें कि अगर ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता तो उसका क्या इंपैक्ट होता लोगों के ऊपर। मतलब लोग वैसे ही परेशान काफी चीजों से, इकोनॉमिकली वगैरह, दे नीडेड दिस जॉय, दे नीडेड दिस मोमेंट, यू नो, ऑफ सेलिब्रेशन। लेकिन हमारे प्लेयर समझते ही नहीं इन चीजों को, दे डोंट रियलाइज के यार क्रिकेट की इंपॉर्टेंस क्या है। वो जो मोमेंट था एक रोंगटे खड़े कर देने वाला, जब जो है वो माँ तुझे सलाम गया गया, वंदे मातरम, वो जो था सीन था ना। इंतजार करे आए हैं, ठीक है, लोग सड़कों पे, मैं कहता हूँ कि हम टूरिंग टीम में जाते हैं, अपनी बैल्कनी से बाहर आ जाए तो नीचे 2,000-4,000 बंदा इकट्ठा हो जाता है ऐसे ही बैल्कनी में खड़े बंदे को देखने के लिए। तो ये तो इंडिया की टीम है और वर्ल्ड कप जीत के आ रही है, उनकी अपनी टीम है, तो इनके लिए तो करोड़ों लोगों ने ही होना था पहुंची है। और जिस तरीके से प्लेयर्स विक्ट्री परेड के लिए बाहर निकले और इस विक्ट्री परेड ने यह बता दिया है कि क्रिकेट क्या इंपॉर्टेंस रखती है, ये जीत कितनी इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए, इंडियन फैंस के लिए। बीइंग अ पाकिस्तानी फैन, वो मनाजिर जो है, हमें एक ऐसी जीत की तलाश है, एक लंबे अरसे से तलाश है, अभी तक हम उस पार तक नहीं पहुंच पा रहे। और बीइंग अ क्रिकेट फैन, ये मनाजिर बहुत खूबसूरत थे। पहला कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा, जो विक्ट्री परेड कल इंडिया में हुई है, जिस तरीके से मुंबई में हमने देखा कि तिल धरने की जगह नहीं थी, एक कितने किलोमीटर की लंबी वो जो है वो लाइनें लग चुकी थी कि आवाम ही आवाम थी और बीच में टीम और विक्ट्री परेड, टीम जो बस के ऊपर मौजूद थी, जिस तरीके से सब खिलाड़ी सेलिब्रेट कर रहे थे, अवाम ने बता दिया, इंडियन अवाम ने, कि उनके लिए ये जीत कितनी इंपॉर्टेंट थी, क्रिकेट क्या मानी रखती है इंडियन अवाम के लिए। देखिए, ये तो कोई सीक्रेट नहीं है कि इंडिया के लिए क्रिकेट का क्या मीनिंग है और इंडिया में जो क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं वो कितने बड़े हीरोज हैं। और फिर इस तरह की परफॉर्मेंस के आप वर्ल्ड कप जीते हैं, आप सारी दुनिया के अंदर जो है अपना लोहा मनवाए, उसके साथ आप पिछले भी दोनों इवेंट्स के फाइनल खेले, तो इंडियन क्रिकेट इज राइट एट द टॉप एंड इट्स on the rise, so they have every reason to be proud of their team. हर वो वजह बनती है कि हर इंडियन जो है अपने प्लेयर्स से जो है वो फखर उनके ऊपर महसूस करे और अपनी मोहब्बत का इजहार करे। आए हैं, ठीक है, लोग सड़कों पे, मैं कहता हूँ कि हम टूरिंग टीम में जाते हैं, अपनी बैल्कनी से बाहर आ जाए तो नीचे 2,000-4,000 बंदा इकट्ठा हो जाता है ऐसे ही बैल्कनी में खड़े बंदे को देखने के लिए। तो ये तो इंडिया की टीम है और वर्ल्ड कप जीत के आ रही है, उनकी अपनी टीम है, तो इनके लिए तो करोड़ों लोगों ने ही होना था बाहर। और जो कल सीन था वो साहिल के किनारे मुंबई में, जब दुनिया बाहर आई हुई थी, तो ये वो सुनामी थी जिसका जिक्र इधर इलेक्शंस में होता है, ये होती है सुनामी। बिल्कुल, इधर होती है वो सुनामी नहीं होती 700-800 मीटर में, ये होती है सुनामी की, बहुत बड़ी सुनामी। सो आई गेस के एक रश, एक जम्मे गफीर था लोगों का, और वो वाले लोग जो अपनी खुशी से अपने हीरोज को वेलकम करने के लिए आए थे और वो पूरा पूरा डिजर्व करते थे। और जिस तरह से वो प्लेन को उन्होंने पानी से वेलकम किया, पहले जहाज जैसे रुका, पता नहीं गर्म हो गया, उन्होंने सारा पानी उसके ऊपर मारा, वो एक वेलकम का उनका तरीका था, विच वाज नाइस। बहुत सारे मुल्कों में क्रिकेट होती है, सारे मुल्कों की लोगों की क्रिकेट मोहब्बत एक तरफ, इंडिया की आवाम की मोहब्बत क्रिकेट के साथ एक तरफ। कल मैंने ये चीज सीखी, इंडिया में जितना बड़ा मुल्क है उतनी ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं क्रिकेट से। और कल उन्होंने जो इज्जत दी है मुंबई वालों, जितने लोग अंदर थे उससे 10 गुना लोग बाहर थे। जिस तरह का रिसेप्शन होना चाहिए था वैसे ही मिला। इंडिया की आवाम ने कल वर्ल्ड कप जीत लिया। 29 तारीख को इंडिया ने जीता था बारबाडोस में, कल इंडियन की आवाम ने वर्ल्ड कप जीत लिया। ये वो लफ्ज कह रहा हूं जो शायद मेरे पाकिस्तानी भाई को बुरा लगे कि आप इंडिया के लिए प्रोग्राम करते, नहीं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलता हूं, मैं क्रिकेट पे प्रोग्राम करता हूं। जो राहुल द्रविड,
उसने बासित अली की सोच को आज एक और मकाम दे दिया। जब मैंने देखा प्लेयर सब बैठे हुए, वो पीछे बैठा हुआ था, जुमला बोला ना ये मेरी फैमिली है। डेविड का जुमला इतना पसंद आया कि आंसू आ गए थे जब उसने बोला ना ये मेरी फैमिली बैठी हुई है। ग्रेट। और उसके बाद आया नंबर 18, उसका नाम था विराट कोहली। और जिस तरह वहां की आवाम ने तालियां बजाई, वो आवाम की तालियां जो है ना पूरी दुनिया में गई होंगी, और उसी तालियों ने बता दिया कि वही इस वक्त नंबर 1 है, बाकी कोई पास नहीं आता। इंडियन आवाम ने दिल जीत लिया। और क्या सर, मतलब उनको मतलब वेलकम मिला है, कमाल है यार। मतलब इट जस्ट शोज के सब कॉन्टिनेंट में, एशिया में क्रिकेट कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है लोगों को खुशी देने में, लोगों को बाइंड करने में। एंड इट ऑल्सो यू नो जो आज हमने देखा मरीन ड्राइव में, जिस तरह कितना हज़ारों आदमी मतलब आया है ग्रीट करने के लिए इंडियन टीम को, टिकट परेड देखने के लिए। वो मुझे बस एक वो कहावत याद आ गई कि कैसे बोलते हैं, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था वो BCCI के ऑफिशियल्स को देखकर, राजेश शुक्ला, जय शाह वगैरह को देखकर बस पे, कि मतलब वो कहावत सही फिट होती है। एंड आई थिंक इफ वी सी टुडे व्हाट वी आर सीइंग टुडे इन मुंबई एंड इवन बिफोर इन दिल्ली एंड ऑल, इट जस्ट प्रूव्स माय पॉइंट। क्योंकि क्रिकेट यार इंडिया की तो खैर, इंडिया तो फिर भी जो है इट इज़ प्रोग्रेसिंग, इट इज़ डूइंग इकोनॉमिकली वेल, और पिछले कई सालों से बेहतरी इंडिया में हमें देखने में आ रही है काफ़ी चीज़ों में। लेकिन लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान में जो मतलब करंट टाइम गुजर रहा है या रिसेंटली गुजरा, तो दैट इज़ वाई पीपल आर सो अपसेट अबाउट पाकिस्तान नॉट मतलब शोइंग इनफ व्हाट यू कॉल इट गट्स एंड मतलब कमिटमेंट टू ट्राई टू विन दिस वर्ल्ड कप। क्योंकि आप सोचेंगे अगर ये पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीतता तो उसका क्या इम्पैक्ट होता लोगों के ऊपर। मतलब लोग वैसे ही परेशान काफ़ी चीज़ों से, इकोनॉमिकली वगैरह, दे नीडेड दिस जॉय, दे नीडेड दिस मोमेंट यू नो ऑफ सेलिब्रेशन। लेकिन हमारे प्लेयर्स समझते ही नहीं इन चीज़ों को, दे डोंट रियलाइज के यार क्रिकेट की इंपॉर्टेंस क्या है। आज देख लो ना इंडियन टीम को कितना मतलब लोगों ने प्यार दिया, उनके क्रिकेट फैंस ने, उनका एयरपोर्ट पर इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ दिल्ली में, फिर आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से वो मिले जाके, उसके बाद फिर मुंबई आए, और मुंबई में तो कमाल यार क्या मतलब रिसेप्शन हुआ है कि ना पूछे आप। लेकिन गुड यार, आई एम रियली मतलब बिकॉज दे डिजर्व इट, रोहित एंड कंपनी रियली डिजर्व दिस वेलकम बिकॉज दे रियली डिड, आई मीन इट्स नो स्मॉल अचीवमेंट टू विन द T20 वर्ल्ड कप। और इंडिया के लोगों ने लेसन दिया भाई साहब दूसरे कंट्रीज के लोगों को कि जब आपकी टीम चैंपियन बन के आती है ना, उसका वेलकम कैसे किया जाता है। और यकीन माने वहां पर ऐसे हिस्टोरिकल मोमेंट्स हमें देखने को मिले हैं ना, जो शायद ही इससे पहले हमने कभी देखे हों। मैरिन ड्राइव में 6 लाख तकरीबन लोग जो वहां पर मौजूद थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टीम का वेलकम करने के लिए 7-8 लाख लोग रोड्स पे निकल आए, ना उनको बारिश की फिक्र, ना उनको रात होने की फिक्र, ना उनको घर जाने की फिक्र, ना उनको सोने की फिक्र। ये क्रेज जो है ना, ये बाकी मैंने कहीं और नहीं देखा है। लेकिन जिन लोगों को ये डाउट था ना, उन्हें आज ये कंफर्म हो गया होगा कि इंडिया में जितना ज्यादा क्रिकेट को प्यार किया जाता है ना, इतना शायद कहीं और किया जाता हो। वो जो मोमेंट था एक रोंगटे खड़े कर देने वाला, जब जो है वो माँ तुझे सलाम गाया गया, वंदे मातरम, वो जो था सीन था ना, यानी कि इस पूरे सेलिब्रेशन में वो एक ऐसा सीन था जिसमें मुझे इमोशंस बहुत ज्यादा नजर आए। सबसे बड़ी रिपोर्ट जो आ रही है, एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पे 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इंडिया की ये जो विक्ट्री परेड थी ना, इसको जो है वो देखा है भाई लाइव सोशल मीडिया पे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक टाइम में 50 करोड़ लोग बैठ के सोशल मीडिया पे ये जो मोमेंट्स है इंडिया के, ये सेलिब्रेशन के, वो देख रहे हैं। ये इससे पहले कभी नहीं देखा, शायद आने वाले टाइम में हम नहीं देखेंगे। इंडिया के फैंस ने, मुंबई वालों ने, और ये इंडिया की टीम ने एक एग्जाम्पल जो है सेट कर दिया है। आज के बाद जब भी कोई टीम वर्ल्ड कप जीतेगी ना, तो सोचा जाएगा कि यार वो जो इंडिया ने सेलिब्रेशन किया था ना, वो जो इंडिया वालों ने अपनी टीम का वेलकम किया था ना यार।